हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं जयपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के। तो दोस्तों, राजस्थान की ये पहली वंदे भारत होने वाली है और आज इसका जो है इनॉग्रल रन है। एंड आज के इनॉग्रल रन में जो है मोदी जी जो है नहीं आ रहे हैं, वो दिल्ली से ही जो है झंडा दिखाएंगे इस ट्रेन को। आज दोस्तों 12 तारीख और अभी सुबह के 7 बजे हम लोग स्टेशन जो है पहुँच चुके हैं। 13 तारीख से इस ट्रेन के जो है कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। इस ट्रेन को अजमेर, जयपुर और दिल्ली कैंट के बीच में जो है चलाया जाएगा। तो आज जो है इनॉग्रल सेरेमनी है इस ट्रेन की। आइए अंदर चलते हैं, आपको इनॉग्रल सेरेमनी दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग जो है अपनी ट्रेन के अंदर आकर के बैठ चुके हैं, ठीक है। अभी 9 बजे हैं एंड 9 बजे सबको जो है एंट्री मिल चुकी है। आज हमको जो है C9 कोच अलॉटेड है। तो दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन जो है डिपार्चर लेती है जयपुर जंक्शन से और हम लोग यहाँ से सुबह 11:30 बजे जो है निकलते हैं। हालांकि हमारे निकलने का टाइम जो है 11 बजे का था, ट्रेन यहाँ पर आधे घंटा लेट हो गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है स्टेशन पर आए हैं, ट्रेन के साथ सेल्फी निकाल रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और दोस्तों, निकलते ही देखो ट्रेन ने जो है 80 की लगभग भीड़ भी पकड़ ली है। जस्ट अभी हमने जो है डिपार्चर ही लिया है और अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन है वो है गांधीनगर। स्पीड से गाड़ी चला रहा है, स्पीड कितनी है ये दिख रही ना, स्पीड देखो। अपनी ट्रेन अभी जो है गांधीनगर पे खड़ी हुई है। मैं नीचे नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कोई प्रदर्शन भी नहीं है किसी इनॉग्रल वगैरह के लिए। स्किप हो रहा है अभी, खातीपुरा का स्किप देखो, धीरे धीरे स्किप हो रहा है काफी। दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे लंच सर्व होना स्टार्ट हो गया, अभी हमारे आगे वालों को सर्व हो रहा है एंड इसके बाद जो है हमारी बारी भी आ जाती है। तो सबको एक एक जो है वेज थाली यहाँ पे सर्व करी गई है, आप देख सकते हैं। आइए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या कंटेंट है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है डौसा स्टेशन पहुँच गए हैं और हमारा जो लंच है वो भी यहाँ पर जो है सर्व हो गया है। तो मैं आपको जो है साथ साथ में लंच भी जो है दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या सर्व हुआ है। तो सबसे पहले स्वीट डिश है हमारे पास एक गुलाब जामुन है। यहाँ पे दोस्तों हमें एक वेज बिरयानी दी गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे रोटी अचार है, यहाँ पे दाल है एंड यहाँ पे एक मिक्स वेज है और यहाँ पे एक पनीर की सब्जी है दोस्तों, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया जो है लग रही है। एंड ये रही थाली की फ़ोटो, ये रहा मेरा ये वाला शॉट जो आप मुझे गोप्रो में एंगल पर देख रहे हैं, ठीक बा। ये है आपकी पूरी आज की थाली। आइए खाते हैं, बताते हैं आपको कैसा है ये, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको जो है दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या जो है। बड़े सुंदर से जो है बैग दिए गए हैं जिसके अंदर थोड़ा सा सामान भी है, जैसे कि ये कैप है, ये पैन है और ये टिकट्स है, ये बैच है। और ये भाई, ये तो यार मतलब बहुत अच्छी, जरा इसको खोलना। बैच तो बढ़िया चीज है भाई, ऐसे खुला। अरे वाह, शुभारम वुभारम सब लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बात है। ये बहुत अच्छा बनाया है लोगों ने यार, एक्चुअली वंदे भारत की पेन भी है। हाँ, कैप में आपको जो है पेन करके हुए दिखाऊंगा, कैप जो है कैसी लग रही है देखने में, पहनने के बाद कैप जो है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। हम तो चार बजे हमने पैकिंग करी है पूरा। दोस्तों, लंच करते ही हम लोगों को हमारे डेजर्ट सर्व होने शुरू हो जाते हैं, जो कि होते हैं अमूल की एक एक जो है आइसक्रीम, हर किसी को जो है सर्व करी जाती है। और दोस्तों, आइसक्रीम देखने में बड़ी बढ़िया सी लग रही थी, ये रही आपकी जो है अमूल की आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की, ठीक है। पीछे एजाज भाई जो है अभी अपना लंच कर ही रहे हैं। चावल थोड़े फीके लगे थे, अच्छा दाल बढ़िया है, पनीर सब्जी बढ़िया है, आलू भी बढ़िया है। और हमारे एजाज भाई जो है आइसक्रीम को कुछ ऐसे तरीके से खाते हैं, ठीक है। करुण पुराण में इसके लिए अलग से सजा है, कोई सजा नहीं है, बहुत से लोग इस तरह से खाना पसंद करते हैं।
वगैरह सब कुछ जो है हो गया और मैंने आपको जो है हर चीज़ अच्छे से दिखाई थी, ठीक है। अभी अलवर हम जो है पहुंचने वाले हैं और आपको अलवर का स्टॉपेज दिखाते हैं एंड उसके बाद जो है हाई राइज पेंटोग्राफ भी दिखाएंगे आपको रेवाड़ी के बाद, ठीक है। एंड मेरे पीछे आप जो है पूरी ट्रेन देख सकते हैं। अब कहीं जाके ट्रेन की जो है एनर्जी काफ़ी जो है लो हो गई है अभी तक, वरना अभी तक बहुत ज़्यादा जो है हल्ला कट रहा था ट्रेन में, बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्साइटेड थे, बट अब फाइनली जाके थोड़ा सा जो है चीज़ें कंट्रोल में आ गए। देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं लोग, बहुत आवश्यकता नहीं है मेरे कुछ बोलने की क्योंकि मेरी बात आपको सुनाई नहीं देगी। ये दोस्तों हम लोग जो है अभी रेवाड़ी पहुंच रहे हैं एंड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है हमारी गाड़ी को लगाया जा रहा है एंड गाड़ी यहाँ तक आते आते जो है मतलब ऑन टाइम ही है, लेट तो नहीं है बिल्कुल भी। जान से भाई जान से भाई बहुत बुरा हाल है भाई, भाई साहब बहुत बुरा हाल है गाड़ी के अंदर, लोग चढ़ रहे हैं लेकिन भाई मना आज के दिन किसी को नहीं कर सकते। इनॉग्रल रन है, लोगों को दिखाने के लिए इनॉग्रल रन किया जाता है, ठीक है, और इसके लिए बाहर तो उतर नहीं सकते आज हम। देखो लोग उतरे हैं, एक बार देख तो ले। मैं ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, मान लीजिए आप आपने आपको किसने कहा यहाँ बैठने को, ये बताओ। रेलवे कहेगा कौन, ये रेल कर्मचारी हैं कोई ऐसे तो जहाँ मर्जी आके बैठ जाएंगे रेल कर्मचारी हैं तो हैं, क्यों रेल कर्मचारी जहाँ मर्जी आके बैठ जाओगे, बैठेंगे नहीं। ये सीट किस लिए बनाई है, बैठने के लिए? मेरे भाई मैं यहाँ बैठ के आ रहा हूँ, मेरे को ये सीट अलॉटेड है, खाली पड़ी है, खाली पड़ी है, आके बैठ गए तुम और उठने पे तुम क्या कह रहे हो, रेलवे एम्प्लॉई, रेलवे एम्प्लॉई है बुलाए हम भाई, पैसे नहीं है कि एम्प्लॉई है। उठो भैया चलो और जाके बैठो ना, हमारी सीट पे क्यों बैठ रहे हो, खाली सीट नहीं हमारा सीट है, मेरे 400 आदमी भाई साहब और मीडिया यहां पे बैठे हैं, और कौन मीडिया 400 आदमी यहां पे आपकी मौजूदगी नहीं है आपके, देखो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दादाजी की जिंदगी नहीं है। अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, टिकट दिखा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे भाई सर, टिकट दिखा दी तो क्या मानते हैं लोग, हमको भी रेल नहीं बुलाया हमको, ये ठीक है सर, वो ठीक है सर, अब हमारी सीट पे बैठे हम कहां बैठेंगे, अरे कोई बात नहीं, देखो ये बात बहुत ही रहने की। तो हम लोग जो है रेवाड़ी से तो निकल लिए हैं और ट्रेन अभी लगभग देखो 107-110 की स्पीड पे जो है चल रही है, ठीक है, एंड थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पता 130 मारेगी या नहीं मारेगी, थोड़ा मैं जो है उस चीज़ को जो है चेक कर रहा हूँ। और ट्रेन में देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब बिल्कुल वंदे भारत के अंदर जनरल की फीलिंग आ रही है, ऐसा हो गया देखो, वंदे भारत का कोच आज टूरिस्ट का कोच बन गया हुआ गया है। रेवाड़ी पर जो लोग बैठे थे, मतलब कि इनॉग्रेशन वाले लोग जो होते हैं, मतलब जो बाहर जिनको बार बार से अलाउड होता है, सब चढ़ गए गाड़ी के अंदर, हम तो अंदर घुस के ही रहेंगे, ठीक है। ट्रेन स्टिल अभी देखो 110 ही कर रही है, उम्मीद तो थी कि 130 मारेगी सेक्शन के अंदर, और आगे भी जो आवाज़ आ रही है आपको वो लड़ाई ही चल रही है लोगों से सीट से उठाने की।
ट्रेन हमारी जो है पटौती रोड पे पहुंच गई है, पर ट्रेन की भीड़ और सीट हाथ से जाने के खतरे को देखते हुए हम लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं। बिकॉज ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो लोग हैं ये चढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो फाइनली मैं आपको जो है दोस्तों वो चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए वंदे भारत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो कि ये हाई राइज पेंटोग्राफ जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे के नेटवर्क के अंदर ये इकलौती वंदे भारत एक्सप्रेस है, या यूँ कहें कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि इस टाइप के पेंटोग्राफ के साथ में जो है चलाई जा रही है। दोस्तों हम लोग गुड़गांव से अभी डिपार्चर ले रहे हैं और मैं आपको जो है कोशिश करता हूँ गुड़गांव का डिपार्चर दिखाने की, एंड ट्रेन में स्नैक्स मिलने भी जो हमारे स्टार्ट हो गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप गुड़गांव का डिपार्चर देख लो, उठा भैया तेज के उठा ले, और लोग खड़े हैं बहुत सारे। आप कहीं मिलोगे नहीं ना, खूब पब्लिक है दोस्तों गुड़गांव में भी, और लास्ट स्टेशन है अपना, इसके बाद सीधा हम दिल्ली कैंटर को देखो, यहाँ शक्तिमान खड़ा हुआ है, इधर से ही दिखाने का बात है। और ये देखो वंदे भारत उठा ली बढ़िया करके, स्पीड देख के बताऊँ तुम्हें, स्पीड दिखाऊँ अगर मैं तुम्हें तो 60 की स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने, नहीं छूटते ही निकलते ही। एक और दीजिए, यहाँ पे दो है। स्नैक्स लेने के लिए भी एकदम छीना झपटी हो रही है, क्योंकि जो लोग बिना फालतू के चढ़े हुए हैं ना वो लोग जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ है यार इसमें, तो खा नहीं पाएंगे अभी तो। हाँ दोस्तों मेरे पीछे आपको स्पीड स्किप्स वगैरह भी देख रहे होंगे, अभी हम लोग शाहबाद मंबर तो नहीं है, क्या है कौन सा पालम आ गया भाई, भाई पालम निकाल दिया, अगला स्टेशन दिल्ली का एंड है। और तुम्हें पता है इतने स्नैक्स का जो डब्बा है वो इतना बड़ा है कि हम पे इतना टाइम था ही नहीं कि मैं आपको आराम से जो है स्नैक्स खा के दिखा सकूँ। मैंने स्नैक्स जो अपने बैग में रख लिया है, पूरा डब्बा अपने बैग में जो है पैक कर लिया है, घर जाके आराम से आपको जो है दिखाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूँगा घर पर जाके, अगर वो सही सलामत बचा घर पर तो घर पे जाके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। चलिए नीचे उतरते हैं दिल्ली के एंड पे, फिर व्लॉग को जो एंड करते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पे हम लोग दिल्ली के एंड जो है पहुँच गए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ इसके आगे की बातचीत मैं आपसे घर जा कर के करूँ, क्योंकि कुछ जो है बातें मुझे इसके रिलेटेड आपको बतानी है, वो घर पे जाके कंटिन्यू करते हैं। जी घर आए हुए मुझे अभी जो है 3-4 घंटे बीत चुके हैं, एंड इस व्लॉग को मैं घर में बैठ के क्यों एंड करना चाहता था, क्योंकि 2-4 बातें मुझे आपसे जो है शेयर करनी थी ट्रेन के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन का जो फेयर है कमर्शियल एंट्रेंस का जो फेयर रहेगा वो दिल्ली से जयपुर का लगभग 1000 रुपये रहेगा, एंड 2000 रुपये के आसपास जो है एग्जीक्यूटिव क्लास का रहेगा। खैर इस मुद्दे पे डिस्कस नहीं करेंगे कि भर के चलेगी नहीं चलेगी, वो किसी और वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों के साथ में। जो स्नैक्स वगैरह आप लोगों को दिए गए थे वो भी काफ़ी सारे बढ़िया थे, उसके अंदर आपके कचौड़ी वगैरह थी, एंड पनीर के पकौड़े थे, सैंडविचेस थे, लॉटरी चोकोपाई थी, एंड मतलब काफ़ी सारा अच्छा बंच ऑफ स्नैक्स था वो, जो कि टेस्टी था, बढ़िया लगा अपने आप में जो है मेरे को। फाइनल रीज़न मैं आपको जो और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इस ट्रेन को ये लोग दिल्ली के एंड तक क्यों ला रहे हैं, एंड इसको नई दिल्ली वगैरह क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा, क्योंकि सारी वंदे भारत तो वहीं जो है लेकर के जाई जाती है। देखिए दिल्ली के एंड के आगे दया बस्ती शकूर बस्ती वाला जो है एक एरिया आता है जहाँ पे स्लम्स बहुत ज़्यादा है, एंड इनिशियली क्या हर बार रेलवे के रिकॉर्ड है कि जब भी वहाँ से वंदे भारत पास होती है तो स्लम के कुछ लोग जानबूझ करके इस ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी कर देते हैं। अब भाई 100 करोड़ रुपए की आपकी ट्रेन है, मिनट से पहले नई चीज़ का आप जो है शीशा वीशा तोड़ दोगे, तो इस कारण से रेलवे जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स देखते हुए इस ट्रेन को दिल्ली कैंट के आगे जो है नहीं लेकर के जा रहा है। हालांकि रेलवे इसको आगे लेकर के जाना पड़ेगा अगर उसको पेट्रोनेस चाहिए, तो देखते हैं रेलवे क्या वे जो है फिगर आउट करता है। दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। आज एडिटिंग जो है अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अभी आप देख सकते हैं आज जगह चेंज है, मैं अपने पुराने वाले घर पे हूँ, और आज की पूरी एडिटिंग मैंने अपने जो है पूरे फ़ोन के ऊपर की है। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।